नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को बहुत शुभ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे सपने जिस व्यक्ति को आते हैं उसे जीवन में खूब पैसा मिलता है, उसके घर में सुख समृद्धि आ जाती है और जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये सपने उस व्यक्ति का नसीब खोल देते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही शुभ माने गए सपनों के बारे में बताने वाले हैं। पहली बात, सपने में कमल का फूल देखना। कमल का फूल धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है। यदि आपको सपने में कमल का फूल दिखाई दे तो मान ले कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है और अब आपको खूब सारा पैसा मिलने वाला है। दूसरी बात, सपने में हाथी देखना। हिंदू धर्म में हाथी को बहुत शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में भी हाथी को शुभ मानते हुए घर में हाथी की मूर्ति रखने की सलाह दी जाती है। इसी तरह सपने में यदि आपको हाथी दिख जाए तो आपको न केवल खूब सारा पैसा मिलने वाला है बल्कि मान सम्मान भी मिलने वाला है। तीसरी बात, सपने में फलों से भरा हुआ पेड़ देखना। अगर नींद में आपको ऐसा सपना दिख जाए तो यह बताता है कि आप जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। यदि किसी व्यापारी को ऐसा सपना आए तो यह उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिलने का संकेत है। चौथी बात, सपने में मधुमक्खी का छत्ता देखना। सपने में मधुमक्खी का छत्ता देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा सपना दिखाई देना जिंदगी में ढेर सारी खुशियां मिलने का संकेत है। पांचवी बात, सपने में स्वयं को दूध पीते हुए देखना। सपने में स्वयं को दूध पीते हुए देखने का अर्थ है कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। यह धन लाभ होने का एक बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।